हाय गाइस, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अपडेट आने के बाद क्या इसका बैटरी चार्जिंग स्पीड चेक किए, तो मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि चेक कीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने पोको X2 को पूरे तरीके से चार्जिंग ख़त्म कर दिया हूँ। यहाँ पर ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, यहाँ तक कि मैं इसे पावर बटन दबा के ऑन करता हूँ तो ये ऑन होता है, फिर यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो ये ऑन हुआ, फिर स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि ये पूरे तरीके से इसका चार्जिंग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर लोगो आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से ये ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से ऑफ होगा। यहाँ पर थोड़ा देर और लोगों यहाँ पर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार लगता है कि ऑन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन हो रहा है। अब देख लेते हैं कि ऑन होता है या नहीं, उसके बाद हम लोग चार्जिंग करके देखेंगे क्या कितने देर में ये चार्ज होता है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 1% यहाँ पर चार्ज है हमारा, बाकी और बाकी सब खत्म हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं टाइमर भी स्टार्ट कर लिया हूँ और देख सकते हैं ये फिर से ऑफ हो गया क्या। नहीं, ऑफ नहीं हुआ, 1% है, यानी कि स्विच ऑफ हो गया था इससे पहले। और यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर लिया हूँ अपने लैपटॉप में, क्योंकि मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एडाप्टर यहाँ पर है, इसका केबल यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसी एडाप्टर से और इसके ओरिजिनल USB केबल से मैं इसे चार्ज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्जर है, और उसके बाद मैं यहाँ पर घुसा देता हूँ इसमें। अरे घुसा, तो ये देखिए मैं इसको अंदर में डाल दिया और ये चार्जिंग होना चालू हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं टाइमर भी स्टार्ट हो गया, हमारा बैटरी 1% है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग दोनों देखेंगे कि कितना देर में ये चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं कि चार्जिंग 1% है और चार्जिंग अभी भी 1% है, और यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कितना देर लगता है इसको चार्ज होने में पूरे तरीके से। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और फिर जब चार्ज होता है कुछ बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कितना मिनट में कितना चार्ज हो रहा है। हो गया है 23 मिनट 23 सेकेंड, और देखते हैं कितना परसेंट हुआ है हमारा बैटरी। तो यहाँ पर मैं लेके जाके देख सकते हैं, यहाँ पर 30% लगभग हो चुका है ओनली 23 मिनट में। गाइस, यहाँ पर हो गया है अभी लगभग 40 मिनट, और उसके बाद देखते हैं कितना परसेंट हुआ है हमारा बैटरी। यहाँ पर 40 मिनट में 52% लगभग हो चुका है बैटरी हमारा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी स्पीड से चार्ज हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि अगला चार्ज अब कितना देर में होता है, फुल चार्ज कितना देर में होता है। 52%, पर लगभग 48 मिनट यानी 49 मिनट हो गया है। अब चेक करते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हो गया है। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पर 64% चार्ज हो चुका है 49 मिनट में। फिर से रख देते हैं, देखते हैं कि पूरा चार्ज कितने देर में होता है। तो गाइस, अब हो गया लगभग 1 घंटे के करीब, और 1 घंटा हो ही गया है। अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि मैं फ़ोन को उठाया, यहाँ पर 77% है गाइस। इस फ़ोन को मैं अनलॉक भी नहीं किया हूँ जब से ये ऑन हुआ है तब से, यानी कि ऑटोमेटिक ऑफ हुआ था, ये बैटरी ख़त्म हो गया था। तो इसको मैं ऑन किया हूँ और उसी पोजीशन में यहाँ पर मैं चार्जिंग से कनेक्ट किया हूँ, और उसी तरह से चार्ज हो रहा है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट या 21-22 मिनट हो गया। इसके बाद यहाँ पर 77% यानी 77% ये बैटरी चार्ज हो गया है। देखते हैं कि अगला यहाँ पर 20 या 22% कितना देर में चार्ज होता है। 1 घंटा 43 मिनट 5 या 7 सेकेंड या 10 सेकेंड हो गया है, अभी भी हमारा फ़ोन जो है वो फुल चार्ज नहीं हुआ है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो फ़ोन है वो कितना परसेंट यहाँ पर चार्ज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है भाई, थोड़ा फोकस कर ले रहे, फोकस कर ले, यहाँ पर है 99%। गाइस, यानी 1 घंटा 45 मिनट के आसपास में हमारा अभी भी फुल चार्ज नहीं होने वाला है। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि 99% है इसका बैटरी अभी भी, और ये चार्ज कितना घंटा में होगा रे भाई,
गाइस ये अपडेट नहीं आया है, एकदम चार्जिंग स्पीड को ही कम कर दिया है ये अपडेट आने के बाद। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं किस एकदम लाइव यहाँ पर करके मैं दिखाया हूँ कि यहाँ पर एकदम मैं कंटिन्यू चार्ज कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद एक घंटा यहाँ पर लगभग 44 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी भी ये 99% है, जबकि अपने फ़ोन को मैं कुछ भी यूज़ नहीं किया हूँ, बस इसको अनलॉक करके ये एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ। एम्पियर एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन किया हूँ, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं किया हूँ। तो गाइस जो पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये अभी भी चार्ज हो रहा है, लगभग 99% है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा 14 मिनट में लगभग ये 90% चार्ज हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर 5% उसको चार्ज होने में लग गया 1 घंटा, यहाँ पर 25 मिनट, और उसके बाद यहाँ पर 11 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 5% ही चार्ज हुआ। 90 से 95 में सिर्फ 11 मिनट आप यहाँ पर लग गया, तो ये काफ़ी बुरा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बहुत फास्ट था, पहले सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 13 मिनट या 30 सेकेंड या 33 सेकेंड में चार्ज हो गया था, उसका भी मैं वीडियो बनाया था, तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा, लगभग 45 हो गया, और यहाँ पर अभी भी 99 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 99 है, तो ये चार्ज कितने घंटे में होगा, ये लगभग यहाँ पर 1.5-2 घंटा लग गया मुझे। इसी के अडाप्टर से मैं चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका केबल है जो कि इस फ़ोन में से आया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अडाप्टर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज भी हमारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये मुझे पता नहीं। एक मेरा व्यूवर्स है, उन्होंने मुझसे कहा कि चार्जिंग स्पीड चेक कीजिए, तो मैं फिर इसको चेक किया पूरे तरीके से, यहाँ पर बैटरी को ख़त्म किया, इसको स्विच ऑफ किया फ़ोन को, और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट किया यहाँ पर टाइमर, और उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बुरा रिज़ल्ट यहाँ पर आया है, जो पहले सिर्फ 1 घंटा 13 मिनट के आसपास में चार्ज हो गया था, वो यहाँ पर 1 घंटा 46 मिनट लग गया लगभग। यहाँ पर देखते हैं कि कितने घंटे में होता है यहाँ पर चार्ज, अभी भी 99 है गाइस, अभी भी 99 है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये 99 है। और यहाँ पर जो स्पीड हमें यहाँ पर 540 गाइस, पहले मैं इसको टेस्ट किया था तो यहाँ पर लगभग 1700 के आसपास यहाँ पर 90 के ऊपर से स्पीड दे रहा था हमें, 90% जब हुआ उसके बाद चार्जिंग स्पीड भी थोड़ा कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1500 से ऊपर ही रहता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 540 mAh के स्पीड से ये चार्ज हो रहा है। तो ये बहुत ही ख़राब अपडेट आया हुआ है पोको X2 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आखिर ये होता कितना देर में है। तो गाइस यहाँ पर अभी भी ये 99 है, जब ये पूरा होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये तो अच्छा है कि उन्होंने मुझसे कमेंट किया और उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाया, नहीं तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं। ये क्या हो गया भाई, स्विच ऑफ हो गया क्या मेरा कंप्यूटर, ऑन हो जा रहे, वो गिर गया था शायद इसको ऊपर में, मोबाइल इसको ऊपर में लग गया था, मोबाइल में रखा तो इसको ऊपर में लग गया। क्या हो गया यार, ये क्यों बंद हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, ये बंद हो गया, पता ना क्यों बंद हो गया, यहाँ पर चार्जिंग भी नहीं ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, लगभग हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था यहाँ पर 1 घंटा, अभी भी 99% है, और यहाँ पर लगभग 45-46 मिनट हम लोग देखे थे अपने कंप्यूटर पे, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ है चार्ज। तो ये बहुत ही बुरी तरह से ये अपडेट आया है, बहुत ही बग है इस अपडेट में गाइस, मैं क्या बताऊँ, ख़राब अपडेट है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इनको जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि इसका चार्जिंग टेस्ट कीजिए। अपडेट आने के बाद तो मैं यहाँ पर चेक किया, ये काफ़ी बुरी रिज़ल्ट यहाँ पर आया है, अभी भी यहाँ पर 99 ही है,
मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मैं फ़ोन को यहाँ पर रखा था तो ये इसका बटन पर लग गया था, तो ये ऑफ हो गया, ऑफ नहीं, यहाँ पर स्लीपिंग मोड में चला गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अभी भी हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं हुआ है, और हम लोग 1 घंटा लगभग 45-46 मिनट वहाँ पर हम लोग देखे थे, लगभग 1-2 मिनट हो ही गया और अभी भी यहाँ पर चार्ज नहीं हुआ। तो लगभग मान सकते हैं कि 1 घंटे 50 मिनट में ये फुल चार्ज हो सकता है इस अपडेट आने के बाद। फिर से इसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा कि उसमें कितने घंटे में ये चार्ज हो रहा है। तो गाइस बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा आज इसका चार्जिंग टेस्ट करने में, मुझे काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी यहाँ पर बड़ा बग देख सकते हैं कि स्पीड इसका 530 और यहाँ पर क्या है यार, ये मतलब क्या है, जो फ़ोन पहले सिर्फ और सिर्फ 73 मिनट में चार्ज हुआ वही फ़ोन उसी चार्जर से उसी तरीके से चार्ज करने पर यहाँ पर लग गया 1 घंटे 50 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम। गाइस अगर आपके पास है पोको X2 तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पोको X2 कितना देर में चार्ज हो रहा है और किस स्पीड से चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बुरे तरीके से चार्ज हो रहा है। यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, क्या यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है या नहीं चल रहा है मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ, ओपन हो जाए भाई। अभी भी 99% है गाइस। फूफ क्या हो रहा है ये, मतलब क्या है, मतलब ये अपडेट आया किस लिए। यहाँ पर लगभग सभी, यहाँ पर हीटिंग का इशू नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो गया है, काफ़ी स्लो हो गया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लैपटॉप ओपन करके क्या है यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है या वो भी बंद हो गया है, बंद हो गया होगा शायद। अभी भी 99 है, वाह क्या बात है, अभी भी मतलब 99 है। यहाँ पर स्पीड जो है ना ये काफी स्लो है, काफी स्लो है। फूफ क्या ये वही पोको X2 है जिसे हम लोगों ने चार्ज किया था 73 मिनट में। नहीं हो सकता ये वो पोको X2 यार, ये दूसरा पोको X2 है। अपडेट आने के बाद तो ये एकदम इसका बदल ही गया है रूप रंग। तो ये होगा कितना देर में यार, यहाँ पर अभी भी 99 है। गाइस बैकग्राउंड में नहीं है, बंद हो गया है वो, हमारा जो भी यहाँ पर स्टॉप वॉच था वो बंद हो गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पोको X2 का बुरा दिन शुरू हो गया है ये चार्जिंग के स्पीड के मामले में। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर चार्ज हो चुका है गाइस 100%, और देख सकते हैं गुड। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो पहले 41 के करीब में गया था, 42 के आसपास में गया था, लेकिन यहाँ पर अभी हो गया है 38। तो आप लोगों ने देखा कि कितने देर में पोको X2 चार्ज हुआ, लगभग 1 घंटा 50 मिनट के बाद ये पूरे तरीके से चार्ज हुआ हमारा पोको X2 ये अपडेट आने के बाद। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये बहुत ही बुरी खबर है पोको X2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लग गया और पहले से यहाँ पर सीधे यहाँ पर कितने घंटे, लगभग 37 मिनट ज़्यादा टाइम लगा हमें इसे चार्ज करने में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाया पोको X2 के चार्जिंग टेस्ट करके स्पीड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए लोगों के पास, ताकि पता चले कि यहाँ पर कितने घंटे में ये चार्ज होता है। यहाँ पर फुल चार्ज हो गया गाइस, मैं आपको बता दूँ फुल चार्ज हो गया है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपके पास है पोको X2 तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कितने घंटे में आपका पोको X2 चार्ज हो रहा है ये अपडेट होने के बाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। हाँ गाइस मैं आपको बैटरी परफॉर्मेंस में भी जाकर दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं इसको रोक रोक के चार्ज किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी परफॉर्मेंस, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये चार्ज हुआ है, कंटिन्यू चार्ज हुआ है, बीच में किसी तरह का यहाँ पर रोक टोक नहीं किया गया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं भूल गया था इसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ये चार्ज हुआ है। लास्ट चार्ज लगभग 5 मिनट 12 सेकंड में मैं यहाँ पर निकाला हूँ। 5 मिनट के बाद मुझे याद आया कि इसको बारे में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये चार्ज हुआ है और कंटिन्यू ये चार्ज हुआ है, इसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं।